टेक्स्ट टू कॉलम डाटा टैब में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है टेक्स्ट टू कॉलम। और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने गलती से एक ही सेल एक ही कॉलम में एक से ज्यादा डाटा हमने वहां लिख दिया है, तो एक से ज्यादा नाम लिख दिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास नाम की लिस्ट है जिसमें नेम और सर नेम एक ही सेल में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये एक ही सेल में दोनों चीजें लिखी हुई है, मेरा नाम भी और मेरा सर नेम भी। अब मुझे इन्हें करना है अलग अलग। मैं चाहता हूँ एक कॉलम में तो नाम आ जाए, फर्स्ट नेम आ जाए, और सेकंड कॉलम में आ जाए सर नेम। अब मैं इसे मैन्युअली करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो समझाने के लिए मैंने चार नाम यहाँ पर लिए हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास किसी कंपनी का या किसी स्कूल का डाटा हो जिसमें 150, 200, 500 बच्चों का या एम्प्लॉइज़ का यहाँ पर डाटा लिखा हो, उनके नाम लिखे हो, और उनको आपको अलग अलग करना पड़ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन हम यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखने के लिए। अब मैंने आपको यहाँ पर सिचुएशन दे दी है कि नेम और सरनेम अलग अलग कॉलम में होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इन सेल्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है सभी को, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर मेरा ये नाम लिखा हुआ है एक ही कॉलम में, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्टेड है डिलिमिटेड, जो कि सही है, इसको कर देंगे आप नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो कॉलम में, ये जो सेल में आपका डाटा लिखा हुआ है जिसे आप अलग करना चाहते हैं, उन्हें कौन सी चीज़ एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि एक्सेल कैसे पहचाने कि इस डाटा को कहाँ से तोड़ना है। तो हमारे नेम और सरनेम के बीच में स्पेस है ना, मैंने स्पेस दिया है ना, लोकेश फिर स्पेस फिर मेरा सरनेम लिखा है वर्मा। तो मैं इसको बता दूंगा कि भाई मैंने स्पेस दिया है कि जहाँ स्पेस है वहाँ से इसको ब्रेक कर दे और अगले कॉलम में शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो मैं स्पेस पर टिक कर दूंगा और बाकी हर जगह से ये टिक मार्क हटा दूंगा, मैंने इसको बता दिया, ठीक है। जैसे आपने स्पेस पर क्लिक किया यहाँ प्रीव्यू भी दिखा देगा कि देखिए ये कहाँ से इसे बांटेगा, ये लाइन ने बता दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, सरनेम हमारे यहाँ अलग हो गए। अब आप कर देंगे इसको नेक्स्ट एंड देन फिनिश, और ये दो अलग अलग कॉलम में आपके नाम को बांट देगा, जिसमें फर्स्ट होगा आपका फर्स्ट नेम और सेकंड कॉलम में आ जाएंगे आपके सरनेम, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो इसने इसको ऐसे अलग कर दिया। तो यही काम होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम काम, ठीक है। ये तो फर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें हमने स्पेस के साथ यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ था एक ही सेल में। मान लीजिए स्पेस ना देकर आपने कुछ और लगा रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कोमा यूज़ किया हुआ है, हमने स्पेस नहीं दिया, हमने कोमा लगा रखा है, लोकेश कोमा फिर वर्मा, यानी कि फिर मेरा सरनेम है। अब इसको आप कैसे बांट सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे पहले तो आप अपने इन कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ आपने सिंगल सेल में इस पूरे डाटा को लिखा है, उसके बाद जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद जाएंगे आप डिलिमिटेड, जो कि सही सिलेक्ट है, कर देंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद अब आप इसको फिर से बताएंगे कि कौन सी चीज़ है जो इन दोनों वर्ड्स को अलग कर रही है, इस बार स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में, तो ये इसको पहचान भी नहीं पा रहा है ना। तो आप क्या करेंगे कि भाई इस बार स्पेस नहीं है, इस बार कोमा लगाया मैंने, तो कोमा पर आप ऐसे टिक मार्क कर देंगे। और जैसे ही आपने कोमा पर टिक मार्क किया, इसने पहचान लिया कि देखिए यहाँ से इसको बांटना है, इसने सरनेम अलग कर दिए हैं। अब आप कर देंगे इसको नेक्स्ट एंड देन फिनिश, तो ये इनको ऐसे अलग अलग बांट देगा और हमारे नेम्स और सरनेम इसने अलग कर दिए, दो अलग अलग कॉलम में इनको लिख देगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने कोमा ना देकर कुछ और ऐसे आपने सिंबल लगा रखा है, तो आप अदर पर सिलेक्ट करके वो सिंबल यहाँ पर लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस चीज़ से आपने उनको डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये तो था सिंपल तरीका है इन्हें ऐसे टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए, ठीक है, अलग अलग कॉलम में लिखने के लिए सिंगल टेक्स्ट को। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें लिख रखी हुई एक ही सेल में, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ नाम और सरनेम के अलावा एज और उनका ईयर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली ये एक ही सेल में एक ही कॉलम में मैंने इसको लिख दिया। ये देखिए ये इस वाले सेल में है, इस सेल में जो भी डाटा लिखा हुआ है वो पूरा इस एक ही सेल में लिखा हुआ है, मेरा नाम भी, एज भी और बर्थ ईयर भी। अब यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, आपको इन्हें अलग करना है। अब आप यहाँ पर स्पेस या कोमा जैसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, स्पेस देंगे तो ये मेरे सरनेम को भी अलग कर देगा ऐसे, तो है ना। मैं चाहता हूँ लोकेश वर्मा पूरा एक सेल में नाम आए, और ये जो एज और जो बर्थ ईयर है ये अलग कॉलम में अलग सेल में आ जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेम आप पहले तो इन सबको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टेक्स्ट कॉलम में और इस बार चूज करेंगे फिक्स्ड विथ, ठीक है, यानी कि विड्थ के हिसाब से इनको बांटेगा, ठीक है।
अब आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपको इसे कहाँ से बांटना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसने जो है विड्थ के अकॉर्डिंग इनकी अपने आप इसको छाट लिया है कि भाई यहाँ इसकी एज आ जाएगी, ये हमारे ईयर आ गए, ये सरनेम और ये नेम आ गया। अब इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो ऐसे कर भी सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है नाम जो है वो पूरा एक ही सेल में लिखा है, नेम और सरनेम अलग अलग ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिवाइड करती हुई लाइन है इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ से हटा देंगे और अब ये आपका एक सेल बन जाएगा, यानी कि मेरा नेम सरनेम एक ही सेल में आएगा, एक कॉलम में आएगा, मेरी एज एक अलग कॉलम और सेल में आएगी और उसके बाद जो ईयर है वो अलग हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे एंड देन फिनिश। और ये देखिए मेरा नाम यहाँ पर आ गया है, एज यहाँ आ गई है और ये ईयर यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे आप विड्थ के अकॉर्डिंग भी इन्हें ऐसे अलग अलग कॉलम या कहें सेल में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का, यानी कि गलती से आपने एक ही सिंगल सेल या कॉलम में मल्टीपल डाटा लिख दिया है और बाद में उसे आपको अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सेल में मौजूद उस डाटा को अलग अलग सेल में अलग अलग कॉलम में डिवाइड करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक टेक्स्ट टू कॉलम।